नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जो स्विफ्ट डिज़ायर की दोस्तों जो जो इसका गियर शिफ्टर होता है दोस्तों, तो आप उसकी जो लिंकेजेस होती हैं जहाँ जो उसके अंदर एक बैरिंग होता है, तो आप उसको कैसे ग्रीस कर सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जब गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो इसमें जो ग्रीस होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको अगर आप इसको ग्रीस कर देते हैं तो दोस्तों ये थोड़ा ये काफ़ी इसमें डिफरेंस आ जाता है और जो गियर हैं वो थोड़े से आसानी से इसके चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों जी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें कैसे ये ग्रीस डाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें इसका ये जो पैनल है तो ये रिमूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको रिमूव करने के लिए आप दोस्तों कोई जो बारीक सा जो स्क्रू ड्राइवर है तो उसको आप यहाँ पर डाल लीजिए यहाँ पर। और दोस्तों थोड़ा सा आपको रोटेट करना है। दोस्तों थोड़ा सा अगर आप करेंगे तो ये निकल आएगा पैनल यहाँ से। तो ये देखिए दोस्तों, इसको आप लिफ्ट कर लें आप यहाँ से और ये ऐसे बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों इसको खोलने से पहले इसको कपड़े से साफ कर लें ताकि जो इसमें मिट्टी वगैरह लगी है, डस्ट है, तो वो अंदर ना आ जाए। दोस्तों बस अब इसके चार लॉक होंगे यहाँ पे, 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों यहाँ से इसको थोड़ा सा दबाकर निकाल लें यहाँ से ऐसे ऐसे। दोस्तों आगे 2 लॉक होंगे तो दोस्तों इसको ऊपर उठा लेना है हमको। तो ये देखें दोस्तों, हमें यहाँ पर ग्रीस देनी है इसमें यहाँ पे, और थोड़ी सी यहाँ पे देंगे और थोड़ी सी यहाँ पर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रीस अब इतनी ज़्यादा नहीं रही। तो दोस्तों यहाँ पर वाइट ग्रीस होती है, ये वाइट से कलर की कोई ग्रीस डाली हुई है कंपनी की तरफ से जब आती है गाड़ी। तो दोस्तों ऐसे हम इसको ऐसे कर कर आगे पीछे कर कर सारी जगह पर ग्रीस लगाएंगे। तो दोस्तों ग्रीस हम थोड़ी थोड़ी सी लगाएंगे, इतनी ज़्यादा ग्रीस नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों जहाँ पर लगाने के बाद फर्स्ट गियर पाकर दोस्तों साइड पे लगा देंगे यहाँ पे थोड़ी सी। दोस्तों थोड़ी सी इस साइड से लगाएंगे ग्रीस इसके। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट पे भी लगा देंगे। दोस्तों थोड़ी सी ग्रीस हम यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों हौली हौली ये दोस्तों ग्रीस सारी इसमें अंदर चली जाएगी। तो दोस्तों काफी दोस्तों ये स्मूथनेस आ गई है इसमें गियर लीवर में, मैं झूठ नहीं बोल रहा दोस्तों, काफ़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है गियर ये पहले से। तो दोस्तों पहले जैसे ये थोड़ा सा टाइट था तो दोस्तों अब ये बिल्कुल लूज़ हो गया है, आराम से दोस्तों ये अब गियर चेंज हो रहा है। क्योंकि दोस्तों पहले इसमें बिल्कुल भी ग्रीस नहीं थी, काफ़ी ख़त्म हो गई थी ग्रीस। तो दोस्तों अच्छी तरह से ग्रीस डाल दें इसमें।
दोस्तों थोड़ी सी ग्रीस हम यहाँ साइड पे लगा देंगे यहाँ पर। मुझे भी ये नहीं लगा था कि इतना डिफरेंस आ जाएगा ग्रीस डालने के बाद। तो दोस्तों इसके जो गियर हैं दोस्तों ये इतने स्मूथ हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों आप ये एक बार ज़रूर ट्राई कर कर देखें। तो दोस्तों मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने सॉफ्ट हो जाएंगे गियर ये ग्रीस डालने के बाद। तो दोस्तों आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कर कर देखें। तो दोस्तों ग्रीस आप इसमें कोई भी डाल सकते हैं, लिथियम बेस जैसे ग्रीस हो तो आप, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सी ग्रीस डालनी है। आप जो स्पेयर पार्ट की शॉप होती है तो वहाँ से कोई भी ग्रीस ले लें। जैसे दोस्तों कई बार जो इसकी जो ग्रीस है वो सिलिकॉन बेस भी आप डाल सकते हैं या फिर लिथियम बेस ग्रीस होती है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ग्रीस डालने के बाद दोस्तों अब हम इसको फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों बहुत ही ईजी है इसको फिक्स करना। तो दोस्तों बस ये इसके लॉक हैं तो आपको इनको इसमें फंसा देना है। दोस्तों अब ये जो पैनल है तो हम इसको लगा देंगे। बस दोस्तों ये फिक्स हो गया है। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत ही दोस्तों ये आसान सा काम है दोस्तों ये। तो आप इसे खुद घर पर आराम से कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।